व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप सुपर कार मैकेनिक। तो आज हमारे पास एक कोयोट V8 5.0 लीटर इंजन जो का है फोर्ड रैप्टर पिकअप 150 और फोर्ड मस्टैंग में। बात करेंगे कि किस तरह से इसकी जो सेकेंडरी टाइमिंग चैन है वो सेट की जाती है, टाइमिंग सेकेंडरी चैन की और प्राइमरी चैन की, तो लेफ्ट की और राइट की दोनों की किस तरह से सेट की जाती है, कहाँ पर मार्क होते हैं, किस तरह से होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये कैम फेजर हैं दोनों, एग्जॉस्ट का और इनटेक का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये एग्जॉस्ट का कैम फेजर है और ये इनटेक का कैम फेजर है। तो एक पॉइंट यहाँ पर रखना है इसका हाईलाइट मार्क चैन का, और जो दो पॉइंट है वो उसके सेंटर में रखने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इसका कैप है फर्स्ट पहले नंबर का, उस पर जो है लुब्रिकेंट लगाना है अच्छे से और इसको इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि इसमें जो होता है वो सेकेंडरी चैन का टेंशनर लगा होता है, तो पहले इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको लगा देते हैं, और इसको लगाकर सिर्फ आप ऐसे ही हाथ से टाइट कर देना हल्का सा, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम ये ले लेते हैं, और ये देखिए ये इसका फेज़र है दोनों साइडों के हैं। एक्चुअली इस पे जो है एग्जॉस्ट की कैम का जो फेज़र है उस पर चलती है प्राइमरी चैन, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आर राइट साइड का हेड है, तो इसको आर के मार्क पर रख करके और हमें जो है धीरे से इंस्टॉल करना है। इसमें देखें कि अच्छे से वो जो है उसकी जो लॉक पिन होती है, सेंटर पिन होती है, उसमें अच्छे से जो है फिट होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सुकून से जब आप उसमें उसके अंदर इसको फिट कर लेंगे तभी आपने बोल्ट टाइट करना है। तो अच्छे से इंश्योर कर लें एक बार, और उसी के अंदर जो है इसको अच्छे से टाइट करें, हाथ से प्रेस करके रखना है टेंशनर, ताकि वो जो है चैन फुल्ली अंदर चली जाए और दोनों फेजर भी। तो अब हम इसके बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो जिस तरह से हमने राइट साइड के हेड का जो है टेंशनर लगाया था सेकेंडरी चैन का, इसी तरह से इसका भी लगा देते हैं। सो अब हम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं लेफ्ट साइड के हेड की ये कैम फेजर। तो इसके जो ये मार्क है इस तरह से रहने हैं, ये इधर रहना एग्जॉस्ट की तरफ, ये डबल पॉइंट, और ये इनटेक की तरफ सिंगल पॉइंट। तो कुछ इस तरह से आएगा, ये एग्जॉस्ट कैम का फेजर है और ये इनटेक कैम का फेजर है। तो मार्क को यहाँ पर रख देना है और अच्छे से इंस्टॉल करना है उसको फुल्ली अंदर तक। जो है आपने पहले जो है जो उसकी कैम की जो लॉक पिन होती है कार्टर, उसमें पूरा अच्छे से जो है उसको बिठाना है अंदर तक। अगर वो नहीं बैठेगा वहाँ पर जाकर तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसको अच्छे से फुल्ली प्रेस करना है अंदर को, और फिर उसके बाद ही बोल्ट लगाने। आपको थोड़ी बहुत कैम एडजस्ट करनी पड़ेगी, रोटेट करनी पड़ेगी, तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे और इसको टाइट कर दें। इसकी प्राइमरी चैन इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। तो याद रहे कि जो राइट साइड का हेड है उसका राइट पर टाइमिंग रहना है, जो लेफ्ट का उसका लेफ्ट पर रहना है। फॉर एग्जांपल ये राइट साइड का हेड है, तो इसका जो है ये आर यहाँ पर सेट करना है टाइमिंग। नो मैटर कि इनटेक कैम का कहाँ आ रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है, बस आपने ये देखना है कि इसका यहाँ पर सेट करना है। ओके, ऐसे ये है लेफ्ट साइड का, तो इसका यहाँ पर एल पे सेट करना है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे। आमतौर पर इंजन्स में क्या होता है कि जो कैम होती है इनटेक की, उस पर जो प्राइमरी चैन जो है ड्राइव करती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दे दिया है। जो एग्जॉस्ट की कैम है उस पर ड्राइव चैन दी इन्होंने प्राइमरी टाइमिंग की, ये देखिए दोनों में एग्जॉस्ट वाली पर दे रखा है इन्होंने। अच्छा, इसके कैप का जो करना है वो इस तरह से करना है। यहाँ से काउंटिंग होती है डाउन साइड से, वन ये है, इस पर लिखा हुआ है टू, देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है इसका ये राउंडेड, ये नीचे रहना है इधर, और इसका जो है ये ऊपर नहीं रखना है, आपने कभी मिस्टेक कर दें, नीचे रहना है एग्जॉस्ट की तरफ, इसका भी इस तरह से, बिकॉज ऑफ ये एरो का निशान है इधर दिख रहा हो आपको, अगर आप इसे ऊपर कर देंगे तो एरो का निशान पीछे चला जाएगा, तो ये नीचे ही रहना है दोनों राउंडेड, और ये एरो का निशान फ्रंट की तरफ रहना है, ऐसे ही सेम इधर भी रहना है। इसके भी कैप की जो काउंटिंग है वो इधर से करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और एरो का जो है ये टाइमिंग की तरफ रहना है, और ये जो राउंडेड है इधर नीचे आ जाएगा, और इधर का भी एग्जॉस्ट की तरफ आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके प्राइमरी टाइमिंग के लिए।
तो सेकेंडरी टाइमिंग तो हमने इसका सेट कर दिया है, जो सेकेंडरी चेन का टाइमिंग था दोनों साइड का, राइट का लेफ्ट का। ये जो होता है ये राइट साइड होता है, राइट साइड का हेड होता है, और जो होता है लेफ्ट साइड का होता है, यानी कार में रखने के बाद में। और आप कार के अंदर है, जो आपका लेफ्ट है वो इंजन का लेफ्ट होगा और जो आपका राइट है इंजन का राइट होगा। तो पहले जो है इसका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो है वो इसकी चेन पहले अंदर चलेगी। अब जो ये टाइमिंग चेन का हाईलाइट मार्क है, इस तरह के दो हाईलाइट मार्क होते हैं इसमें, एक अप एक डाउन, इस तरह दो हाईलाइट मार्क होते हैं इस तरह का। एक हाईलाइट मार्क ये है और दो हाईलाइट मार्क ये है। तो एक अप रहना है और एक ये डाउन में रखना है। इंजन का जो है टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है, सेकेंडरी टाइमिंग, सेकेंडरी चेन का टाइमिंग जो है वो पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था। और ये प्राइमरी चेन का देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड का हेड है इसका। तो ये जो हाईलाइट मार्क है यहाँ पर, ये इसको एल मार्क पे रखना है इसके फेजर के। और नीचे ये 12 o'clock पर आप सेट कर लें चाहे इसको। और नीचे जो है यहाँ पर एक मार्क है, ये देखिए, ये अंदर वाली चेन का मार्क है यहाँ पर इसके साथ में बिल्कुल। तो ये इसका सेट हो गया। अब ये राइट साइड का हेड का है, तो राइट साइड का ये है आर पे मार्क है ये, और ये है इसका। सो गाइस, ये कंप्लीट वीडियो था इस इंजन के टाइमिंग का, ये फोर्ड रैप्टर 150 और फोर्ड मस्टैंग 5.0 लीटर V8 इंजन का टाइमिंग जो आपने देखा अभी। अगर ये आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ये गल्फ़ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो नए आ रहे हैं और भी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो हमारा मोटिवेशनल बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।